गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 इंडियन 2, एक्सरसाइज 3.3 इंडियन 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग। उसका छोटा पहला, टैन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज द क्वेश्चन। अब कब थीटा लेना, कब अल्फा बीटा लेना, आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अगर टैन इनवर्स ऑफ 1 की डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है तो अल्फा बीटा गामा। अगर आपको छुड़ाना है, सॉल्व करना है, ट्रायंगल सॉल्व करना है तो थीटा एंड फाई। क्लियर हो गया अभी? सो टैन इनवर्स ऑफ 1 कितना था? 5/4। बट बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली यू कैनॉट राइट, यू हैव टू राइट स्टेप बाय स्टेप। तो पहला लिखना, लेट टैन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू अल्फा, वेयर अल्फा शुड सेटिस्फाई द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टैन इनवर्स विच इज ओपन ब्रैकेट -π/2, π/2। सो वेयर -π/2 लेस देन अल्फा लेस देन π/2। 1 वही रहेगा, टैन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या होगा? टैन अल्फा, टैन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब ये देखना, यहाँ टैन अल्फा है तो 1 किस एंगल की टैन वैल्यू है? π/4। तो टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन π/4। अब क्या करो आप, ये अल्फा को यही रहने दो, टैन को इधर लेके आओ, तो अल्फा विल बी टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ π/4। अब आपको हर एक को ये आइडिया आ गई कि टैन इनवर्स और टैन दिखती है, डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते आप लोग। आपको ये चेक करना पड़ता है कि ये जो एंगल है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई करता कि नहीं करता, चेक करना है। देन ओनली टैन इनवर्स और टैन कैंसिल होंगे। तो इस केस में टैन इनवर्स और टैन कैंसिल होंगे क्योंकि π/4 जो है वो -90 और +90 के बीच में आता है, 45 डिग्री, करेक्ट है? एंड देयरफॉर ये कैंसिल हो गए, अल्फा इज इक्वल टू π/4। बट व्हाट इज अल्फा? टैन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/4, इक्वेशन नंबर 1। यानी अपन इसका आंसर निकालेंगे डायरेक्ट। नाउ लेट कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू बीटा, वेयर बीटा, बीटा किसकी ब्रांच फॉलो करेगा? कॉस इनवर्स की, करेक्ट है? व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स? क्लोज ब्रैकेट 0, π। इसीलिए वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू बीटा लेस देन और इक्वल टू पाए। कॉस ठाकुर के हाथ कहाँ से कहाँ तक काटे थे? फ्रॉम 0 to π। साइन ठाकुर के हाथ फ्रॉम -90 to +90। सो ये हो गया 0 लेस देन और इक्वल टू बीटा लेस देन और इक्वल टू पाए। देयरफॉर कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2। फुल्ली अग्रीड? नाउ किस एंगल की कॉस वैल्यू 1/2 आती है? π/3। वेरी गुड। तो कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/3। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ π/3। फुल्ली अग्री? नाउ कॉस इनवर्स और कॉस कब कैंसिल होगा? अगर ये π/3 0 और π के बीच में आएगा तब। π/3 यानी 60 डिग्री, वो सर्टनली 0 और 180 डिग्री के बीच में है। दैट मीन्स कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो गए एंड देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू π/3। बट बीटा कौन है? कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। बीटा कौन है? कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। देयरफॉर कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/3, इक्वेशन नंबर 2। अब जाएंगे, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू गामा, वेयर गामा ने कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेटिस्फाई करना चाहिए? साइन इनवर्स -π/2 लेस देन और इक्वल टू गामा लेस देन और इक्वल टू π/2। देयरफॉर साइन गामा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6। वी ऑल नो साइन ऑफ π/6 इज 1/2। सो अब ये गामा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6। कैंसिल होगी, क्या बचा? गामा इज इक्वल टू π/6। क्यों साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए? क्योंकि π/6 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाया करता है, इसीलिए आ गया π/6। सो देयरफॉर टैन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/4 प्लस π/3 प्लस π/6 फ्रॉम 1, 2 एंड 3। नाउ इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 आने के लिए यहाँ मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आएगा 3π। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4π। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पड़ेगा, 2π/12। 3π + 4π + 2π 9π/12 डिवाइड बाय 3, 3π/4 इज द आंसर। ये हो गया स्टेट बोर्ड का तरीका। इन JEE और CET यू आर नॉट सपोज टू राइट सो मेनी थिंग्स।
आपको पता है tan inverse of 1 कितना है? pi by 4 डायरेक्ट. और इस cos inverse of 1 by 2 pi by 3. और इस cos sin inverse of 1 by 2 pi by 6 डायरेक्टली आप ये स्टेप सकते हो. दिस डायरेक्टली इन CET एंड JEE. नो नीड टू राइट सो मेनी स्टेप्स. क्लियर? और उसके बाद LCM लेके ये आंसर आप टिक मार्क कर देने का. सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखेंगे अभी. पहला छुड़ा कीजिए. थर्ड, tan inverse of root 3 minus sec inverse of minus 2 की वैल्यू निकालना आपने. थोड़ा लेवल बढ़ाया उन्होंने. As usual, let tan inverse of root 3 is equal to alpha, where minus pi by 2 less than alpha less than pi by 2. Alpha ने किसकी principle rule बयान satisfy करना चाहिए? Tan inverse. क्या है वो? Minus pi by 2 to pi by 2 open bracket. इसलिए यहाँ equal to sign नहीं आया, यहाँ equal to sign आया. So tan alpha is equal to root 3 and किस angle की tan value root 3 आती है? pi by 3. So tan alpha is equal to tan pi by 3. So alpha is equal to tan inverse of tan of pi by 3. Tan inverse tan cancel हो गए, बचा कौन? alpha is equal to pi by 3 since minus pi by 2 less than pi by 3 less than pi by 2. 60 degree certainly lies between minus 90 to plus 90. अल्फा पाई बाय 3 आ गया, बट अल्फा कौन है? टैन इनवर्स ऑफ रूट 3. देयरफॉर टैन इनवर्स ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू पाई बाय 3, इक्वेशन नंबर 1. अब जाएंगे सेकंड पे. लेट सेक इनवर्स ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू बीटा, वेयर बीटा ने किसकी प्रिंसिपल रूल ब्रांच सेटिस्फाई करना चाहिए? सेक इनवर्स. सेक इनवर्स किसके जैसा है? कॉस इनवर्स. कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रूल ब्रांच क्या है? 0 टू पाई. वेरी गुड. और 0 टू पाई के बीच में कौन आता है? पाई बाय 2, जो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि sec पाई बाय 2 यानी 1 अपॉन cos पाई बाय 2, 1 अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट. इसीलिए वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू बीटा लेस देन और इक्वल टू पाई कॉमा बीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, बीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 2. अब sec इनवर्स उधर जाएगा तो sec बीटा हो जाएगा. sec बीटा इज इक्वल टू माइनस 2. माइनस को डिच क्या करो, किस एंगल की सेक वैल्यू 2 आती है? सेक पाई बाय 3, क्योंकि कॉस पाई बाय 3 कितना है? 1 बाय 2. तो सेक पाई बाय 3 कितना होगा? 2. तो ये हो गया माइनस 2. अब ये आ गया सेक बीटा इज इक्वल माइनस सेक पाई बाय 3, लेकिन ये माइनस साइन मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? सेक बीटा इज इक्वल सेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3. व्हाई? बिकॉज सेक ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा. तो इंस्टेड ऑफ माइनस सेक पाई बाय 3 आई हैव रिटन सेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3. अब यहाँ एलसीएम लो. सेक बीटा इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई यानी सेक ऑफ 2 पाई बाय 3. बीटा यही रहने दो. बीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 2 पाई बाय 3. सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो गए, बचेगा कौन? बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3. ये क्यों कैंसिल हुए सेक इनवर्स और सेक? बिकॉज 2 पाई बाय 3 belongs to the principal rule branch of 0 to pi. इसके बीच में देखो 2 pi by 3 ने कितना डिग्री? 120 डिग्री. 120 डिग्री certainly lies between 0 and 180 डिग्री. इसीलिए कैंसिल हुआ और बचा बीटा. हाउ मच इज बीटा? sec inverse ऑफ माइनस 2. सो sec inverse ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 2 pi by 3, इक्वेशन नंबर 2. अब ये दोनों फ्रॉम 1 एंड 2 ये करते हैं अपन लोग, तो ये आया इक्वेशन 1 से pi by 3, बीच में माइनस साइन, और ये आ गया 2 पाई बाय 3. ऐसे हम लोग 3 लेंगे, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई, एंड देयरफॉर द आंसर इज माइनस पाई बाय 3. दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स. एक्सरसाइज 3.3 इंडियन 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग. छोटा 4, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 प्लस क्वाट इनवर्स ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज अ क्वेश्चन. Now let cosec inverse of minus root 2 is equal to alpha. As usual, पहला इसको alpha पकड़ा अपन ने, where minus pi by 2 less than or equal to alpha less than or equal to pi by 2, alpha not equal to 0. ये principle rule branch है किसकी? है cosec inverse की. cosec inverse उधर गया तो क्या होगा? cosec alpha is equal to minus root 2. minus को ditch क्या करो? cosec alpha is equal to minus in bracket cosec pi by 4, क्योंकि what is sin 45? 1 by root 2. तो cosec 45 root 2. तो माइनस को भूल जाओ, cosec माइनस पाई बाय 4. अब ये माइनस साइन अंदर कैसा आएगा?
कोसेक ऑफ माइनस सी रेज ऑल्सो इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, तो ये हो गया कोसेक ऑफ माइनस पाई बाय 4, क्योंकि कोसेक इज जस्ट लाइक साइन, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस कोसेक थीटा, तो मैंने माइनस कोसेक पाई बाय 4 को लिखा कोसेक ऑफ माइनस पाई बाय 4, तो अल्फा बिकम्स कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक पाई बाय 4। अब ये कैंसिल हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं अगर माइनस पाई बाय 4 इस प्रिंसिपल ऑफ ब्रांच को बिलोंग करेगा तो, और अपन ने देखा माइनस पाई बाय 4 सर्टनली लाई बिटवीन माइनस 90 टू प्लस 90, इसीलिए कैंसिल हो गए, बचा कौन माइनस पाई बाय 4, बट व्हाट इज अल्फा कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 इज इक्वल टू अल्फा, सो माइनस पाई बाय 4 इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या पकड़ेंगे आप, करेक्ट बीटा, वेरी गुड, लेट कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू बीटा, वेयर कॉट इनवर्स किसका भाई है कॉस इनवर्स, कॉस ठाकुर के हाथ कहां से कहां तक काटे थे अपने 0 टू पाई, वेरी गुड, तो लेट कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू बीटा, वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू बीटा लेस देन और इक्वल टू पाई एंड बीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, 0 और पाई के बीच में एग्जैक्ट बीच में कौन आता है पाई बाय 2, वो लेने का नहीं, 0 और पाई के बीच में कौन आता है पाई बाय 2, बीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि कॉट बीटा लिया आपने कॉट 90 लिया, तो कॉट 90 यानी कॉस अपॉन साइन, करेक्ट है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट में आता है और ये चलेगा कॉट बीटा इज इक्वल टू रूट 3। नाउ किस एंगल की कॉट वैल्यू रूट 3 आती है पाई बाय 6, सो कॉट बीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाय 6, क्लियर, बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ पाई बाय 6 हो गया। अब कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो सकते हैं अगर पाई बाय 6 जो है वो 0 और पाई के बीच में आएगा तो, और अपन ऑब्जर्व करेंगे 0 इज लेस देन पाई बाय 6 लेस देन पाई एंड देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 इज द आंसर, कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू पाई बाय 6 इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, एलसीएम 12 आएगा तो यहाँ माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो माइनस 3 पाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 2 पाई, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस करेंगे और बड़ी संख्या का साइन देंगे, बड़ी संख्या कौन है माइनस 3 पाई, इसलिए माइनस पाई बाय 12 इज द आंसर। नाउ इन सीटी एंड जेडब्ल्यू यू आर नॉट सपोज टू राइट सो मेनी थिंग्स, आज मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली इसको कैसे छुड़ाना, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 यू कैन राइट साइन इसको हाफ ऐसा करता हो लगे, तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय रूट 2, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, फुल्ली एग्री, एंड व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2, माइनस पाई बाय 4, एक झटके में मिल गया आपने को माइनस पाई बाय 4 सीटी एंड जेडब्ल्यू, ये तो डायरेक्ट पता है अपने को, कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 यानी टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 3, फॉर्मूला अप्लाई किया अपने, किस एंगल की टैन वैल्यू 1 बाय रूट 3 आती है पाई बाय 6, सो दिस बिकम्स पाई बाय 6, दो स्टेप में आंसर, ये माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 ऐड करो इस स्टेप में आते हैं, दो स्टेप में आंसर आता है, दिस हैज टू बी यूज फॉर जेडब्ल्यू एट सीईटी, बट इन स्टेट बोर्ड यू हैव टू सॉल्व सो मेनी स्टेप्स। नेक्स्ट, प्रूव द फॉलोइंग, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 माइनस 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाय 4, फिर से एक बार लेट साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू अल्फा, वेयर अल्फा कहां से कहां था, वेरी गुड, फ्रॉम माइनस 90 टू प्लस 90, परफेक्ट, माइनस पाई बाय 2 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2, व्हिच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, किस एंगल की साइन वैल्यू 1 बाय रूट 2 आती है 45 डिग्री, साइन अल्फा इज इक्वल साइन पाई बाय 4, साइन साइन कैंसिल, अल्फा इज इक्वल पाई बाय 4, क्यों कैंसिल हुए बिकॉज पाई बाय 4 लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 एंड अल्फा यानी कौन साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू
pi by 4 equation number 1. Like sin inverse of root 3 by 2 is equal to beta, where beta is equal to, क्या रहेगा बेटा, कहां से काट रहेगा, फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स. तो साइन बीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू. अब किस एंगल की साइन वैल्यू रूट थ्री बाय टू आती है, साइन ऑफ पाई बाय थ्री. वेरी गुड. सो साइन 60 रूट थ्री बाय टू, साइन ऑफ पाई बाय थ्री. साइन साइन कैंसल, बीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री. क्यों कैंसल किए, क्योंकि पाई बाय थ्री 60 डिग्री माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आता है. देखो साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय थ्री. तो आंसर आया LHS इज इक्वल टू इक्वेशन वन से इसकी वैल्यू होगी पाई बाय फोर माइनस थ्री टाइम्स इसकी वैल्यू यानी पाई बाय थ्री. सो ये हो गया पाई बाय फोर माइनस पाई, थ्री थ्री कैंसिल हो गया क्योंकि LHS क्या है, दिस माइनस थ्री टाइम्स दिस. तो इक्वेशन वन पाई बाय फोर माइनस थ्री टाइम्स इक्वेशन टू यानी पाई बाय थ्री. पाई बाय फोर माइनस पाई, एलसीएम लिया तो ये आएगा पाई माइनस फोर पाई अपॉन पाई माइनस थ्री पाई बाय फोर एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब जे डब्ल्यू और सी टी में इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जा सकते हो LHS इज इक्वल टू हाउ. थोड़ा 10th स्टैंडर्ड का आपका 10th स्टैंडर्ड का और 11th का ट्रिग्नोमेट्री पक्का चाहिए LHS इज इक्वल टू. नाउ ये हो गया स्टेट बोर्ड की लॉन्ग मेथड. नाउ आई एम शॉर्टकट फॉर CET एंड JEE. किस एंगल की साइन वैल्यू 1 बाय रूट 2 आती है, पाई बाय 4 डायरेक्ट माइनस 3 टाइम्स. किस एंगल की साइन वैल्यू रूट 3 बाय 2 आती है, 60 डिग्री यानी पाई बाय 3, 3 इंटू पाई बाय 3. सो पाई बाय 4 माइनस पाई, कितनी जल्दी आ गए देखो अपन इस स्टेप पे, पाई बाय फोर माइनस पाई बचा. एलसीएम लेंगे तो ये आएगा पाई माइनस फोर पाई अपॉन फोर, आंसर इज माइनस थ्री पाई बाय फोर विच इज नथिंग बट राइट हैंड साइड. दो स्टेप में आंसर आता है CET एंड JEE में. दैट्स ऑल. एक्सरसाइज 3.3 इंडियन 3 प्रूव दैट उसका छोटा 3 साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12 बाय 13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56 बाय 65. जैसे मैंने बताया कब अल्फा बीटा लेना, कब थीटा और फाई लेना. अल्फा बीटा कब लेते हैं, जब आपको साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय 5 की वैल्यू डायरेक्ट पता है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 है और इस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 पाई बाय 6 पता है, तो उसको आपको अल्फा लेके छुड़ाना है. जो अननोन है साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय 5 कॉस इनवर्स ऑफ 12 बाय 13 यू डू नॉट नो, तब आपको थीटा और फाई की लैंग्वेज यूज करना है. अल्फा बीटा की लैंग्वेज यूज़ किया तो गलत नहीं है, बट अपने मन में अलग होना चाहिए. थीटा फाइ कब लेंगे, जब उनकी वैल्यूज पता नहीं है. अल्फा बीटा कब लेंगे, जब उनकी डायरेक्ट वैल्यूज अपने को पता है. सो लेट साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय 5 इज इक्वल टू थीटा एंड कॉस इनवर्स ऑफ 12 बाय 13 इज इक्वल टू 5. पहले वाले को थीटा लिया, दूसरे वाले को फाई लिया. नाउ साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय 5 इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 5. साइन थीटा 3 बाय 5 आया यानी इट इज अपोजिट अपॉन एच वाई पी. तो ट्रायंगल में क्या करो, थीटा यहाँ निकाल के, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, थीटा यहाँ अपोजिट में 3 लिखो और एच वाई पी में 5 लिखो. ये 3 और 5 लिख दिए. नाउ आई जस्ट नीड टू फाइंड दिस साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा. तो कैसे करूँगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 रूट 16 यानी 4. और वैसे भी अपने को पता है ये साइन थीटा 3 बाय 5 आया तो कॉस थीटा 4 बाय 5 आता है, बिकॉज 3 4 5 इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट. करेक्ट है, साइन थीटा अगर 3 बाय 5 आया तो कॉस थीटा कितना आएगा, 4 बाय 5. कैसे आता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो एच वाई पी, सो एडजेसेंट अपॉन एच वाई पी यानी 4 बाय 5 कॉस थीटा आ गया. Now we'll go to cos inverse of 12 by 13. Let cos inverse of 12 by 13 is equal to 5. Therefore, cos inverse उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 5. Cos 5 कितना होगा, 12 by 13. और cos का फॉर्मूला है adjacent upon HYP. तो ट्रायंगल निकालो, यहाँ एंगल phi निकालो, ये राइट एंगल निकालो और adjacent पे लिखो 12, HYP पे लिखो 13.
Now I need to find this side, this side. So this side will be under root of 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 अपॉन 144 रूट 25 आंसर इज. तो cos phi sin phi will be naturally अपोजिट अपॉन एच वाई पी. cos phi दिया था, sin phi फाइंड करेंगे. sin phi इज अपोजिट अपॉन एच वाई पी यानी 5/13. इसको भी आप CET और डायरेक्टली JEE में लिख सकते थे. साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज सेम एज कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 एंड कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज सेम एज साइन इनवर्स ऑफ 5/13. इसलिए कॉस फाइव 12/13 आ गया तो साइन फाइव कितना आएगा, 5/13 आएगा, बिकॉज 5, 12 and 13 इज ऑल्सो अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. ये तीनों याद रखो, CET और JEE में बहुत काम में आएंगे अपने. 3, 4, 5, 5, 12, 13. तो cos, अगर cos phi 12/13 है तो sin phi 5/13. cos phi 12/13 तो sin phi 5/13. यहाँ पे sin theta 3/5 तो cos theta 4/5. डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो JEE एंड CET. बट इन स्टेट बोर्ड ड्रॉ दिस ट्रायंगल एंड सॉल्व लाइक दिस. ओके, अब यहाँ sin है तो आपने फॉर्मूला यूज करेंगे sin ऑफ थीटा प्लस phi. यहाँ cos इनवर्स होता तो आई वुड हैव यूज cos ऑफ थीटा प्लस phi. क्लियर माइंड में? नाउ sin ऑफ थीटा प्लस phi इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b. sin थीटा cos phi प्लस cos थीटा sin phi. 3/5 इंटू 12/13 प्लस 4/5 इंटू 5/13. एक एक वैल्यू केयरफुली चेक किया फिर से. sin थीटा 3/5, cos phi 12/13, cos थीटा 4/5, sin phi कहाँ गया, 5/13. करेक्ट, LCM दोनों में आएगा 36 और ये 20/65. LCM 65 आया तो 36 + 20/65, दिस इज 56/65 आ गया. अब ये sin को इधर लेके जाऊंगा तो sin inverse ऑफ 56/65 मिल जाएगा मेरे को. तो यहाँ क्या बचेगा, थीटा प्लस phi, क्योंकि ये थीटा प्लस फाइव यही रहा, साइन को इधर लेके आया तो वो हो गया साइन इनवर्स ऑफ 56/65. देयरफॉर थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65. बट थीटा हमने किसको लिया था, साइन इनवर्स ऑफ 3/5. फाइव किसको लिया था, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13. देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 is equal to sin inverse of 56/65 is the answer. Now exercise 3.3 Indian 3 और ये है शायद छोटा 7th example. Very very interesting and important even for derivative intuition. So prove that tan inverse of cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta is equal to pi by 4 plus theta if theta belongs to open bracket minus pi by 4 comma pi by 4. Answer, LHS is equal to tan inverse of cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta. ये सिचुएशन आपको डेरिवेटिव इंट्रीज पे कई बार आएगी. cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta, cos theta by 2 plus sin theta by 2 upon cos theta by 2 minus sin theta by 2 कई बार आएगी. तो take my words, यहाँ जो भी है पहले यहाँ one law, क्योंकि tan inverse के बाद tan चाहिए. and what is the formula of tan of a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. what is tan of a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. हो गया, इसका इंपैक्ट याद रखा, देखो जबरदस्त इंपैक्ट. cos थीटा यानी डिवाइड एन आर एंड डी आर बाय cos थीटा इनसाइड द ब्रैकेट, क्योंकि यहां क्या लाना है, 1. तो tan इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. याद होगा आपको, ये इंपैक्ट क्या देगा, इसको हेवीली
कॉपी में अलग अलग पेन से ग्रीन रेड ब्लैक सबसे संभाल करना कि आपकी कॉपी का पन्ना खोलोगे तो आपको यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ जो भी है उससे डिवाइड करो तो यहाँ बराबर वन आता है। ये हर एक जन को भी याद रखना है। सो दिस इज टैन इनवर्स ऑफ वन प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन थीटा। नाउ यू सी हाउ आई एम गोइंग टू राइट। वन प्लस टैन थीटा वैसे लिखता हूं, डिवाइडेड बाय वन माइनस वन इंटू टैन थीटा। देर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन ऑन दिस स्टेप बिकॉज वन इंटू टैन थीटा कितना होता है, टैन थीटा। तो इंस्टेड ऑफ टैन थीटा आई कैन राइट वन इंटू टैन थीटा। बट नाउ आई एम गोइंग टू मेक सम चेंजेस। किस एंगल की टैन वैल्यू वन आती है, पाई बाय फोर। तो अब मैं क्या लिखता हूं यहां पे, टैन इनवर्स ऑफ टैन पाई बाय फोर प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन पाई बाय फोर इंटू टैन थीटा। अब मैं एक बेहतरीन फॉर्मूला 11 के ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा, यूजिंग टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी इज इक्वल टू टैन ऑफ ए प्लस बी। फॉर्मूला है अपन ने इलेवन में पढ़ा है, टैन ऑफ ए प्लस बी क्या है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी। तो ये यही तो है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी। इसमें ए कौन है, वेरी गुड, ए कौन है, पाई बाय फोर। बी कौन है, थीटा। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में अभी। सो दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा। एब्सोल्यूटली करेक्ट, नो डाउट। अब क्या ये टैन इनवर्स और टैन कैंसिल होंगे, होंगे अगर पाई बाय फोर प्लस थीटा टैन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई करेगा तब। और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन है, लेस देन पाई बाय टू। अब उन्होंने क्या बोला, थीटा कहां से कहां तक है, माइनस 45 टू प्लस 45। अगर प्लस 45 में मैंने और एक 45 ऐड भी किए तो कितना होगा, 90 होगा, करेक्ट है। लेकिन थीटा तो 45 से थोड़ा कम है, ओपन ब्रैकेट है, करेक्ट है, यानी 44 डिग्री है। 44 डिग्री प्लस 45 डिग्री 89 डिग्री होगा, 90 से कम ही रहेगा। यानी देखो थीटा प्लस पाई बाय फोर इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये आपस में कैंसल हो जाएंगे और बचेगा कौन, दैट इज इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस थीटा। सिंस माइनस पाई बाय टू लेस देन थीटा प्लस पाई बाय फोर लेस देन पाई बाय टू एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो इसमें देखने वाली बात क्या थी कि आज के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड एन आर एंड डी आर बाय कॉस थीटा। ये जिसको आ गया उसको बाकी सारे प्रॉब्लम चल गए, और अपने को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में भी करना है, इंजीनियरिंग में ही करना है। सो आपको ये चीज़ याद, ऐसी सिचुएशन आ गई तो डिवाइड यहाँ जो भी रहेगा उससे डिवाइड करो। लॉजिक क्या है, यहाँ कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, दैट्स ऑल। फिर ये वन को लिखो पाई बाय फोर, और यहाँ भी एक वन को लिखो पाई बाय फोर। तो टैन इनवर्स ऑफ पाई बाय फोर टैन पाई बाय फोर प्लस टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन पाई बाय फोर इंटू टैन थीटा। दिस इज टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा। टैन इनवर्स ऑफ टैन कैंसिल हो गए क्योंकि पाई बाय फोर प्लस थीटा इस प्रिंसिपल ब्रांच को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि उन्होंने दिया था थीटा बिलोंग्स टू माइनस 45 टू प्लस 45 दिया था उन्होंने, और ये आंसर आता है पाई बाय फोर प्लस थीटा।